नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मीठे में एक नई रेसिपी। अगर आपका मन मीठा खाने का हो तो आप फटाफट से घर में बची हुई रोटी या पूड़ी से इस रेसिपी को बनाएं। यह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं और गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। और कढ़ाई में हम एक गिलास पानी डाल देंगे। पानी जब हमारा अच्छे से उबलने लगेगा तब हम इसमें पूड़ी को डालेंगे। ये हमने दो पूड़ी ली हैं। आप पूड़ी की जगह रोटी भी ले सकते हैं। पूड़ी को हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इसे इस तरह से हम काट लेंगे चाकू की सहायता से। दूसरी भी पूड़ी को इसी तरह से हम काट लेंगे। और इधर हमारा पानी गर्म होने वाला है। पूड़ी को हमने काट लिया है। देखिए, अब हमारा पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब हम इस पूड़ी को इसी में डाल देते हैं और इसे हम चला लेंगे। पाँच मिनट इसी में हम ऐसे ही पूड़ी को पड़े रहने देंगे। और इधर हम काजू काट लेते हैं। काजू भी हम काट के इसी में मिला देते हैं जिससे हमारा काजू अच्छे से पक जाएगा। और इसे फिर से हम चला लेते हैं। देखिए, हमारा पानी कम हो गया है। अब इसमें हम दूध मिला देते हैं। और इसे हम दो मिनट तक चलाते रहेंगे। देखिए, हमारी पूड़ी अच्छे से दूध में पक चुकी है। इधर हम गुड़ को फोड़ लेते हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे जिससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा।
तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम गुड़ को डाल देते हैं। गुड़ की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं। जितना आपको मीठा खाना हो उसी हिसाब से आप डालें। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और यह खाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से इस रेसिपी को बनाएं और खाएं। यह बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे बच्चे बड़े मांग मांग के खाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।